ऊपर से क्रस्ट फूला फूला, अंदर ढेर सारी चिकन। वेलकम वेलकम रूबी के किचन में, वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम जोई और आना की फेवरेट डिश बना रहे हैं हॉट पॉकेट। बेस्ट है रमजानों के लिए भी और लंच बॉक्स के लिए भी, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो यहाँ देखें हमारे पास 3.5 कप मैदा है। सबसे पहले ग्लव्स पहन लेंगे। इसका डो जो होता है ना वो बड़ा फ्लेकी सा होता है, मतलब ये क्रस्ट जो है ना फ्लेकी सा होता है, तो इसके लिए हमने लिया है कोल्ड बटर। तो ये 1/2 कप है, यानी 1 स्टिक जो होता है वो। तो इसको अब इसमें डाल देंगे, बारीक बारीक थोड़ा सा कर दिया है ताकि क्रस्ट जो है वो खस्ता सा बने, इसी में ब्रेक करेंगे। साथ ही इसमें हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून पाउडर शुगर, ताकि थोड़ी सी एक मिठास रहे। 1/2 टीस्पून नमक। मक्खन को इस तरह से करते जाएंगे कि ये इसी में ब्रेक हो जाए। अगर आप चाहें तो इसमें ठंडा घी भी ले सकते हैं। घी को फ्रिज में रख दें या फ्रीज़र में रख दें, फिर इसी तरह से कर लें। इसमें बहुत सी वेरिएशन हो सकती है। मैं जो बना रही हूँ वो हमारे बच्चों का फेवरेट है, तो आप इसमें काफ़ी चीज़ें रद्दबदल भी कर सकते हैं, चीज़ों को ऐड ऑन भी कर सकते हैं, जो स्टफिंग वगैरह ना उसमें। तो देखिए मैं इसमें तोड़ती जा रही हूँ बटर को आटे के साथ ही। ये बना के और एडवांस में फ्रीज़र में रख सकते हैं, सहरी में खा लें, इफ्तार में खा लें, बच्चों को लंच बॉक्स में दे दें, बने हुए हो। और फिर एयर फ्राई में भी कर सकते हैं, माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं। तो ये देखिए ऑलमोस्ट हमने सारा ही बटर जो है वो इस तरह से कर दिया। तो अब यहाँ देखिए हमारे पास एक अंडा है, इसको तोड़ लेते हैं, उसको फेंट लेंगे। ये डाल देंगे आटे में। और अब यहाँ हमारे पास ठंडा दूध है, उसके साथ आटा जो है वो गूंद लेंगे। पहले अंडे को मिला लेंगे। तो यहाँ डालते हैं और आपको बताएंगे कितना डाला। तो यहाँ पूरा हमने 1 कप दूध यूज़ कर लिया है। डो जो है वो सॉफ्ट साइड पर नहीं चाहिए और ना हार्ड चाहिए, मीडियम चाहिए। अब बस इसे थोड़ा सा गून लेना है और अब इसे कवर करके 10-15 मिनट सेट करते हैं और आ जाते हैं हम अपने फिलिंग पे। तो यहाँ देखें हमारे पास एक पैन है, इसका हम चूल्हा ऑन कर देते हैं। फ्लेम रखते हैं मीडियम लो और अब इसमें हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून बटर और 1 टेबलस्पून तेल। साथ ही इसमें हम डाल देंगे 3 टेबलस्पून मैदा और इसको सॉटे करेंगे। अगर आप को बटर इस्तेमाल नहीं करना है तो कम्प्लीटली तेल भी यूज़ कर सकते हैं। हमें मैदे को जब तक भूनना है जब तक इसमें से रॉ स्मेल चली ना जाए और थोड़ा सा भुनने की खुशबू ना आ जाए। तो अराउंड लगेंगे इसमें 1.5 मिनट के आसपास। ये देखिए जाग जाग हो गए हैं, तो इसका मतलब हल्का हल्का हो गया है और खुशबू भी आना शुरू हो गई है। अब इसमें हम डाल देंगे 1 कप दूध, इसका अच्छा सा सॉस बनाएंगे। इस पॉइंट पर हम विस्क ले लेंगे, चूल्हे को और भी स्लो कर देंगे। देखें कितना थिक और कितना अच्छा सा हो गया है। तो अब इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून चिकन पाउडर, यानी नोरियो मैगी की चिकन क्यूब, 1/2 टीस्पून ऑरिगनो, ना हो तो इटालियन सीजनिंग भी डाल सकते हैं,
आधा टीस्पून गार्लिक पाउडर, इसकी जगह पेस्ट भी डाला जा सकता है, और आधा टीस्पून अनियन पाउडर, ये सब चला जाएगा इसमें। याम, ऐसा लग रहा है ना चीज़ मेल्ट हुई है। और अब इसमें हम डालेंगे चिकन। तो यहाँ देखिए हमारे पास चिकन है, जिसको छोटे छोटे पीसेस करके इस तरह से मैंने उबाल लिया था, जिसमें डाला था लहसुन अदरक 1 टीस्पून और नमक। तो इसको अब डाल देंगे सॉस में। ये है 1 पाउंड, यानी आधा किलो के आसपास, और छोटे छोटे टुकड़े करके उबाला था, जैसे दिख रहे हैं ना ऐसे ही। अब इनको अच्छे से मिला लेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें कुटी हुई मिर्चें डाल दें, काली मिर्चें डाल दें, हरी मिर्च डालें, फील फ्री, जो आपको डालना हो आप डालें। और इस पॉइंट पर आप डाल सकते हैं मकई, भुट्टा, मटर, जो भी सब्ज़ी भी डालना हो। लेकिन मैं इसलिए नहीं डाल रही हूँ कि जो मैं बना रही हूँ वो ज़ोई और आना का फेवरेट बना रही हूँ। अब आप अपने बच्चों का फेवरेट में जो भी ऐड कर सकते हैं कर लें। चूल्हे को अब हाई करेंगे थोड़ा सा और सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। तो ये देखें कितना अच्छा सा जुड़ जुड़ गया है, मिक्स मिक्स हो गया है। तो बस इस पॉइंट पर चूल्हे को करते हैं बंद और इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं। तो आटा सेट हो रहा है, चिकन ठंडी हो रही है, तो मिलते हैं 5-7 मिनट में। तो ये देखिए थोड़ा बहुत ठंडा हो गया है, तो इसमें अब हम डालेंगे अराउंड 1 कप चीज़। तो मेरी जो है वो 3 ब्लेंड थी, आपको जो दिल चाहे वो डालें, और अगर स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। तो फिर चिकन वाला हॉट पॉकेट हो जाएगा, चिकन एंड चीज़ नहीं होगा, दोनों बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसको मिक्स कर देते हैं। और मैं चीज़ काफ़ी मॉडरेट डाल रही हूँ, अगर किसी को ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा भी डाल सकता है। और अब एक प्लेट में निकाल लेंगे ताकि कम्प्लीटली ठंडा हो जाए। अब आटा भी बाय द टाइम हमारा सेट हो गया है, तो आटे को लेते हैं और थोड़ा सा इसको गूंद लेते हैं। अभी भी ठंडा ठंडा है, ऐसे ही हमें चाहिए। और अगर ऐसा लगता है कि आपके यहाँ बहुत गर्मी है तो आटे को सेट करने के लिए फ्रिज में भी रखा जा सकता है। इसे आधा कर लेते हैं, आधे को कवर कर लेते हैं और इसको बेल लेंगे। और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ड्राई फ्लावर डाल सकते हैं, हो सके तो स्क्वायर या रेक्टेंगल बेल दें, और अगर ना हो तो भी हर्ज नहीं है, काटना तो हमें फिर भी है। रोटी से थोड़ा सा हमें थिक बेलना है। इस तरह से बेल गया है, तो अब हमें इसे काटना है। तो पहले तो ये थोड़ा सा आसपास से इस तरह से कर देंगे कि स्ट्रेट हो जाए। और अब इसको हम करेंगे आधा, इस तरह से करेंगे। और अब इसका आधा कर लेते हैं। अब बेकिंग ट्रे लेंगे, अगर आप चाहें तो इसको पतीले में भी बना सकते हैं। अगर पतीले में बनाना है तो पतीले में जो फिट हो रही है वो ट्रे ले लें। मैं अवन में बना रही हूँ तो ये वाली ट्रे ले ली है मैंने। पतीले में मैंने कुकीज़ बनाए हैं, पिज़्ज़ा बनाया है, बहुत सारी चीज़ें बनाई है। कोई भी आपका बर्बाद सा पतीला हो ना वो ले लें और प्री हीट करने के लिए रख दें, जाली स्टैंड रख के। तो थोड़े फासले से रखेंगे। इसके ऊपर अंडे का ब्रश करेंगे।
अंडे का ब्रश करने के बाद चिकन की फिलिंग रखेंगे। तो इस तरह से सेंटर में रखेंगे। और अब ये जो अदर साइड लेके और इसके ऊपर यूं रखेंगे और इस तरह से उंगली से इसको यूं दबा देंगे। पॉकेट जो है यहाँ से फूल के आ जानी चाहिए इस तरह से। अब हमें इंश्योरेंस करना है कि ये आसपास से लीक नहीं हो जाए, तो उसके तीन तरीके हैं। एक तो इसे आप फ्रिज में रख लें, फ्रीज़र में रख लें, थोड़ा सेट हो जाए, या फिर फोर्क से साइड में आसपास से कर लें, या मेरे पास इस तरह का रोलर है तो ये इस तरह से ये कर लेंगे, तो इससे क्या होगा, सील्ड कम्प्लीटली हो जाएगा। तो बस इसी तरह से और बना लेंगे। तो अब इस पर डालेंगे अंडा, अंडे का ब्रश करेंगे और हमारा अवन प्रीहीट हो रहा है 400 फ़ारेनहाइट यानी 200 सेल्सियस, तो इसे हम बेक करेंगे अराउंड 20 to 25 मिनट्स, जब तक एक अच्छा सा सुनहरा कलर ना आ जाए। तो चले इसे अवन में रखते हैं। तो अब जो हमारा आटा पड़ा हुआ है और अमेजा, उसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ देखें हमारे तीन और भी बन गए हैं, ये हमारा लास्ट था और इसको अब ओवन में रख देंगे और वो अभी रेडी नहीं हुआ है। तो यहाँ हमारा अमेजा बच गया है, तो इसको हम अलग अलग तरीके से यूज़ भी कर सकते हैं और चाहे तो उसको फ्रीज़र में रख दें और दोबारा आटा गूंदें और दोबारा बना लें। 25 मिनट्स के आसपास हो गए हैं, खुशबुएँ शानदार आ रही है, तो चले चल के देखते हैं कि लग कैसे रहे हमारे हॉट पॉकेट। ये और वो वाली जो ट्रे हमने ऊपर रखी थी अब वो नीचे रख लेते हैं। तो अगर आप पतीले में बना रहे हैं तो बस इसी तरह से 35-40 मिनट्स लगेंगे उसमें, एकदम पतीला जब हीट अप हो जाएगा तब उसको स्लो करके और आप क्या कहते हैं इसको आराम से बेक करें 35-40 मिनट्स। तो देखें ये लग कैसा रहा है, देखिए इस तरह से कलर आया है नीचे। तो अब इसे थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। देखिए 5 मिनट के आसपास हो गए हैं, थोड़े ठंडे हो गए, तो डिश आउट करते हैं। बताए किस बच्चे को ये नहीं खाना होगा, गिरने पड़ने की भी कोई स्टोरी नहीं है, लुक पैटीज जैसा है पैटीज भी नहीं है, हॉट है और पॉकेट है। तो बेसिकली इसको आप ठंडा हो जाए ना तो फ्रीज़र में रख दें जिपलॉक बैग में, और उसके बाद जब बच्चों को चाहिए या फिर लंच बॉक्स में देना हो इमरजेंसी 911, उसको वार्म अप करके दे दिया, माइक्रोवेव में भी दे कर सकते हैं, एयर फ्राई में कर सकते हैं, और अदरवाइज निकाला थॉ हो गया कम्प्लीटली, तो अगर इस तरह से ले जाना कहीं तो खा ले रूम टेम्परेचर हो जाए तो। तो ये भी देखिए कितने ज़बरदस्त से हो गए। रेडी। तो देखा कैसे झटपट हमारे खतरनाक से हॉट पॉकेट बन गए। तो अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसे रहे। ये देखिए
ऊपर से क्रस्ट फूला फूला, अंदर ढेर सारी चिकन। खतरनाक, इसका टेक्सचर इतना ऐसा लग रहा है जैसे बिस्किट वगैरह खा रहे हैं, बिल्कुल भी लग नहीं रहा है कि आटे से बना है। ये देखें, और फिटिंग टू गुड, बड़ा सूदिंग सा है ये आप लोग के लिए। माइंड ब्लोइंग, ऐसा लग रहा है कम्फी फूड है। अब आपकी मर्जी, जैसे वेजिटेबल डाल दिया, थोड़ा सा अगर आपको इसको रेड करना है तो टोमेटो प्यूरी डाल दिया, कुछ भी अपनी मर्जी से आप कर सकते हैं। और द गुड थिंग, बेस्ट फॉर रमज़ान, बेस्ट फॉर लंच बॉक्स, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। कोई मेहमान आया तो फ्रीज़र में से निकाल दिया, पका पका है निकल रहा है, कितना ईजी ना। तो बनाना बनता है, जब आप ये बनाएंगे तो धमाल हो जाएगी। तो चलिए जल्दी जल्दी जाए बनाए, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।